हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं आज चंडीगढ़ के बोटानिकल गार्डन में। चंडीगढ़ का सबसे बड़ा गार्डन है और सबसे सुंदर, मतलब इसका व्यू है, देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह सुबह इस गार्डन का व्यू कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गार्डन फुल प्लांट्स से भरा हुआ है, देखिए गार्डन अर्बन फॉरेस्ट विथ मियावाकी प्लांटेशन। देखिए फ्रेंड्स, बॉटनिकल गार्डन चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 14 में बना हुआ है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, गार्डन का लगभग ये 5 किलोमीटर लंबाई में और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। मतलब 25 स्क्वायर फिट के एरिया में, 2500 स्क्वायर फिट के एरिया में लगभग फैला हुआ है। आप देखिए इसका व्यू, रोड के दोनों तरफ पौधे लगा रखे हैं कितने। जब इस गार्डन में आप आओगे तो आपको आके बहुत ही, मतलब एक सुकून भरा माहौल मिलेगा। दिन भर इस गार्डन में चहल पहल लगी रहती है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि मतलब भीड़ होते भी है, मतलब खाली लगता है गार्डन। इतना बड़ा गार्डन है और जगह जगह तरह तरह के पौधे हैं। पौधों का डिस्क्रिप्शन तो मैं गाइज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को भी इतना पौधों का इतना नॉलेज अभी है नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं वो लगभग हर तरह के प्लांट्स हैं। मेडिसिन प्लांट्स हो, फ्रूट प्लांट हो, या फिर छाया के लिए लगाए गए प्लांट्स हो, या ब्यूटी के लिए लगाए गए प्लांट्स हो, हर तरीके के प्लांट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आई थिंक कोई भी प्लांट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मतलब नहीं लगाया गया हो। लगभग हर तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं यहाँ पे। अलग अलग तरीके के सेक्शन बनाए हुए हैं, मेडिसिनल सेक्शन, फ्लावर सेक्शन, मतलब अलग अलग तरीके के गार्डन्स को छोटे छोटे गार्डन्स में बांट के ना इसको नाम दिया गया है। जैसे अभी हम जापानीज गार्डन के पास में हैं, मैं दिखाता हूँ आपको जापानीज गार्डन का व्यू। यहाँ पे ये शंकु ट्री लगा रखे हैं जो मतलब अलग ही व्यू दे रहे हैं। देखिए बोटनिकल गार्डन चंडीगढ़ का सबसे बड़ा गार्डन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जापानीज गार्डन है। यहाँ पे जगह जगह पे सेट्स लगाए हुए हैं जहाँ पे लोग लगभग आपको एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के इस गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करी गई है। लगभग 2005 में इस गार्डन का इनोग्रेशन हुआ था। आई थिंक उस टाइम पे यहाँ पे किसानों के खेत हुआ करते थे, छोटे छोटे खेतों को मिला के एक पूरा बड़ा गार्डन बनाया है। अच्छी तरह से मतलब यहाँ पे एक हर साल लगभग इतने पौधे लगाए दिए जा रहे हैं जिससे कि ये मतलब देखने में और सुंदर होता जा रहा है। बोटनिकल गार्डन चंडीगढ़ का मतलब शान है एक तरह से मैं बोलूँ तो। ये हम यहाँ से निकल रहे हैं अब। ये देखिए रोड के दोनों तरफ सुंदर ट्री है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और गार्डन में मेंटेनेंस वाले जगह जगह रखे हुए हैं, जैसे कि आपको अभी वो ट्रैक्टर आता दिख रहा होगा। ये ट्रैक्टर यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पे ट्रैक्टर लेके घूमते हैं, और जब भी प्लांट्स जहाँ से अगर ख़राब भी हो गया उसको वहाँ से हटा के रिप्लांट किया जा रहे हैं। और इनको डेली डेली खाद वगैरह प्रोवाइड करना, पानी देना, मेंटेनेंस के लिए अच्छी टीम रखी गई है यहाँ पे। चंडीगढ़ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसका पूरा ध्यान रख रहा है। ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल गार्डन है।
प्लीज़ आप आइए और इसको एक बार देखिए। अगर आप चंडीगढ़ के पास में हैं, चंडीगढ़ में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो इस गार्डन को ज़रूर एक बार देख के जाइए। मैं फुल डिस्क्रिप्शन तो इसमें आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर उसमें मैं अगर एक चक्कर भी लगाता हूँ तो कल लगभग आधा घंटा मेरे को लगेगा। गाइज, मेरे चैनल का नाम है चंडीगढ़ जर्नी लाइव, तो चंडीगढ़ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ के गार्डन्स के बारे में, चंडीगढ़ के आसपास की जगह के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे वीडियोज़ में डालता रहूँगा, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय फ्रेंड्स।